कोविड से बचाव और प्रभावितों के इलाज को लेकर जिला कलेक्टर पुष्पेंद्र कुमार मीणा के निर्देश पर कोविड मॉकड्रिल का आयोजन 27 दिसंबर को कर जिला अस्पताल और लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल की व्यवस्थाओं, ऑक्सीजन आदि पर फोकस किया जाएगा, जिससे आने वाली किसी भी परेशानियों का आसानी से निराकरण किया जा सके। कोविड को लेकर प्रशासन की तैयारियां पूर्ण हो चुकी हैं। स्वास्थ्य विभाग के दिशा निर्देश पर शेष कार्यों को भी पूर्ण किया जा रहा है। इसकी जानकारी जिला मलेरिया अधिकारी डॉक्टर CBS बंजारे। अभी वर्तमान में जिस प्रकार से चाइना में F7 कोविड का नया वेरिएंट जो आया है, तो उसको देखते हुए एहतियात के तौर पे सभी जगह पे सैंपलिंग का कार्य किया जा रहा है। और उसके तहत ये है कि मॉक ड्रिल जो होता है, ट्रेन करते हैं कोई सीरियस मरीज आया, जांच के बाद उसको कैसे हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जाना है, तो एक डिमोस्ट्रेशन का एक पार्ट होता है जिसको मॉक ड्रिल कहा जाता है। तो वो सभी जगह 27 बारह 2022 को रखा गया है, जिसमें हमारे दुर्ग जिले में भी इसका आयोजन किया जाना है, जिसमें हमने जगह चिन्हांकित किए हैं दुर्ग जिले के अंतर्गत, जिला अस्पताल दुर्ग और लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल सुपेला। वहाँ से अगर कोई पेशेंट है तो एक अभी फर्स्ट स्टार्टिंग पे अपने जम्बो हॉस्पिटल भिलाई में पेशेंट अपडेट करने के लिए रखा हुआ है। तो ये कल हमारा ट्रेनिंग होगा मॉकड्रिल के रूप में लोगों को अवेयरनेस के लिए, तो इसका वीडियो क्लिपिंग वगैरह करके भी लोगों को IC के माध्यम से प्रचार प्रसार किया जाएगा। राज्य शासन से दिए गए निर्देश अनुसार जिस प्रकार से चाइना और अन्य देशों में कोविड टीकाकरण का कार्य के लिए मॉनिटरिंग कैसे किया जाना है, जिसके लिए एक मॉक ड्रिल का कार्यक्रम 27/12/2022 को रखा गया, जिसमें हमने जगह चिन्हांकित किए हैं जिला अस्पताल दुर्ग और लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल सुपेला, और एक हॉस्पिटल अभी तत्कालिक में हमने नामांकित किया 45 बेड का जम्बो हॉस्पिटल भिलाई। ये सब कार्यक्रम कल मॉक ड्रिल के रूप में किया जाएगा, जिसमें कलेक्टर साहब मीना जी के मार्गदर्शन और हमारे मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर JP मेसराम के मार्गदर्शन में ये कल आयोजित की जाएगी।